नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल और ये है पोको M2। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि आप किस तरह से पोको M2 में जो ऐप्स है वो लॉक कर सकते हो और उन ऐप्स को आप हाइड भी कर सकते हो। और फिर अगर आपको उन ऐप्स को अनलॉक करना हुआ या फिर जो हिडन ऐप्स है उनको अनहाइड करना हुआ तो वो भी आप कर सकते हो। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो ऐप लॉक है आप दो तरीके से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। एक तो आप सेटिंग्स में जाके जब आप ऐप्स में जाते हो तब आपको यहाँ पे ऐप लॉक मिल जाता है, या फिर जो ऐप है MI का सिक्योरिटी आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्योरिटी ऐप, आप उसमें भी जाके यहाँ पे जो ऐप लॉक है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आप सेटिंग्स से ऐप लॉक किस तरह से इनेबल कर सकते हो। तो सबसे पहली बार जब आप ऐप लॉक ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे टर्न ऑन करने के लिए पूछा जाता है कि आपको प्रोटेक्ट करना है ऐप लॉक, तो आपको टर्न ऑन करना है यहाँ पे और फिर आपको कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर लेना है और फिर नेक्स्ट करना है और फिर जो आपका MI अकाउंट है वो ऐड करना है तो ठीक है, अगर आपको नहीं करना है तो आप नोट नाउ को क्लिक कीजिए। फिर आपको फेस अनलॉक का भी यूज़ करना है अगर, तो आप करिए फेस अनलॉक। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट वेरीफाई करने के लिए भी पूछा जाएगा कि फिंगरप्रिंट भी करना है तो आप फिंगरप्रिंट वेरीफाई कर लीजिए। तो आप इस तरह से जो ऐप्स है उनको लॉक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं अभी जीमेल ओपन करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इस तरह से फेस से स्कैन होके वो जो लॉक है वो अनलॉक हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे दोबारा करते हो ओपन तो बिना पासवर्ड के ओपन हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसकी भी सेटिंग्स आपको वहाँ पे मिल जाती है जब आप ऐप्स में और ऐप लॉक में जाते हो। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे फिर आपको मिल जाएगा लॉक सेटिंग। तो लॉक सेटिंग आपको कब रखनी है, तो आपको जब आप बाहर निकलते हो ऐप में से तब ये जो लॉक है होना चाहिए, तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब जब आप कोई भी ऐप ओपन करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पासवर्ड या फिंगरप्रिंट या फिर फेस से आपको उसे अनलॉक करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से आप जो ऐप लॉक है उसकी सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हो। तो जो भी ऐप्स आपने लॉक किए हुए हैं वो आप रिसेंट ऐप्स में देखोगे तो आपको ब्लर दिखाई देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको इसमें कुछ भी सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है। तो जो भी ऐप्स आपने लॉक किए हुए हैं ऐप लॉक से उनका जो प्रीव्यू है जब आप रिसेंट ऐप्स में जाते हो वो आपको इस तरह से ब्लर दिखाई देंगे। आप अगर सेटिंग्स में जाते हो और अगर आप चाहते हो कि अगर कोई भी ऐप हो जो भी ऐप आपने लॉक किए हैं उनकी नोटिफिकेशन हाइड हो जाए, आपको स्क्रीन पे ना दिखाया जाए नोटिफिकेशन बार में, तो आप जो नोटिफिकेशन है उनकी वो भी हाइड कर सकते हो। तो मान लो अगर आपको MX प्लेयर ड्राइव नोट्स की नोटिफिकेशन नहीं देखनी है तो इनकी जब नोटिफिकेशन आएगी तब वो हाइड होगी, आप इजीली उसे नहीं पढ़ सकते हैं, आपको ऐप लॉक से अनलॉक करके फिर उसे पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ये तो हुआ ऐप को लॉक करने का तरीका। अब दोस्तों मान लो आपको ऐप को हाइड करना है, मान लो मुझे बहुत सारे जो ऐप्स है उनको हाइड करने हैं तो वो कैसे करूँगा। तो आपको इस तरह से ड्रॉअर में जाना है, ऐप ड्रॉअर में, और यहाँ से फिर आपको डबल स्वाइप करना है इस तरीके से, फिर आपको ये दिखाया जाएगा। तो आपको पासवर्ड सेट करना है उसके लिए या फिर आपका जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पे एक्सेस देना है और फिर आपको जो पैटर्न है वो ड्रॉ करना है। तो फिर अभी आपको यहाँ पे जो ऐप्स है वो ऐड करने हैं, ऐड ऐप्स, और जो भी ऐप्स आपको हाइड करने हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा मैंने सिलेक्ट की है ऐप, अब आपको यहाँ पे टिक करना है। तो जो ऐप्स है वो हाइड हो चुके हैं, अब आपको ये जो ऐप्स है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वो ऐप्स आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। तो आपको इसे एक्सेस करना है तो आपको उसी तरह से जाना है, आपको यहाँ पे डबल स्वाइप करना है और फिर आपको पैटर्न या फिंगरप्रिंट दे देना है और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ से हिडन जो ऐप्स है उन्हें एक्सेस कर सकते हो।
अगर आपको इन ऐप्स में से किसी ऐप्स को अनहाइड करना हुआ तो आपको यहाँ पे एडिट में जाना है सबसे ऊपर, और फिर जो भी ऐप्स को आपको अनहाइड करना है उसको आप अनटिक कर लीजिए, तो जो भी ऐप्स है वो अनहाइड हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो ऐप्स है उन्हें हाइड अनहाइड कर सकते हो अपने इस पोको M2 के फ़ोन में। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।